हाय गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। आज मैं आपको एक मस्त मस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें 10 प्रकार के पक्षी हैं, पक्षी छोटे पक्षी जिन्हें हम चिड़िया भी बोल सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और हर पक्षी की नॉलेज इंटरनेट से सर्च की गई है, कौन सा पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है, किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, उसका जीवन काल क्या है, उसके हर एरिया में अलग अलग नाम क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए तो आइए चलते हैं और देखते हैं इन पक्षियों से संबंधित वीडियो। गाइस, ये है बुलबुल। जैसा कि आप जानते हो, बुलबुल अपनी सुंदर आवाज के लिए जानी जाती है। ये लगभग 200 प्रकार की अलग अलग आवाज़ें निकाल सकती है। बुलबुल पक्षी गोवा का राज्य पक्षी है, ध्यान दें, गोवा का राज्य पक्षी। और यदि किसी देश की बात करें तो बुलबुल पक्षी ईरान का राष्ट्रीय पक्षी है और यह सिपाही पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। अब हम बात करते हैं इस मध्य प्रदेश के दूधराज पक्षी की। बहुत सुंदर पक्षी है और ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, जिसकी पूंछ इतनी लंबी होती है, जिसको पूंछ के लिए ही राजा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बर्ड है जिसके उड़ान देखिए, इसका नाम, अब ये आ गई मैना। अब इसको हम, इस पक्षी को मैना बोलते हैं। आपको पता है मैना की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं और मैना पक्षी जो है छत्तीसगढ़ और मेघालय का स्टेट बर्ड है। मैना पक्षी जो है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो मवेशियों का मल होता है ना, सूख जाने के बाद में उसको अपनी चोंच से फोड़ फोड़ कर उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर अपना जीवन गुजारता है। अगली एक बर्ड जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये हमारे यहाँ इसको काली चिड़िया बोलते हैं। इसकी खुराक की बात करता हूँ मैं, ये खाती क्या है, यह पक्षी सबसे ज़्यादा चींटी खाती है। हाँ दोस्तों, वैसे एक जानवर आपने चींटी खोर देखा होगा, लंबे से मुँह का, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पक्षी, इसकी मुख्य खुराक ही चींटियाँ हैं। और चींटियाँ ब्लैक होती हैं और ये पक्षी भी ब्लैक है। वैसे मज़ेदार, देखो उड़कर देखा है। अब आ गया हमारे सामने एक कठफोड़ा यानी वुडपेकर। वुडपेकर की बहुत सारी प्रजातियां हैं। वुडपेकर की 200 से ज़्यादा प्रकार के वुडपेकर होते हैं दुनिया में। तो वुडपेकर का ये एक छोटा रूप है जो कि लकड़ी में कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ा छेद कर सकता है। इसकी चोंच बहुत दमदार होती है। अब एक सौंचड़ी, ये पक्षी है, इसकी खासियत है ये पेड़ों में बहुत कम बैठती है, हमेशा नीचे घास में या खुले मैदानों में या खुले खेत में घूमती रहती है। और इसका सबसे जो मज़ेदार स्टाइल है, देखो ये बार बार नीचे पूंछ को ऐसे करती है, शरीर को ये स्थायी नहीं रह पाती, बार बार अपने शरीर को इस तरीके से नीचे करती है। यदि इसको कोई खतरा होता है तो उड़ती कम है और उड़ने से ज़्यादा ये अंदर, जैसे मैं अब इसके नज़दीक जाऊँगा तो देखो ये अंदर, ये सरसों का खेत है, इसमें दौड़ के चली जाएगी। बहुत कम चांस है कि ये उड़ती है, बस पैदल ज़्यादा दौड़ती है ये चिड़िया। सौंचड़ी है इसका नाम, सौंचड़ी की बहुत सारी प्रजातियां हैं। अब हम अगला जो पक्षी है इसकी बात करते हैं, हमिंग बर्ड। दोस्तों ये पक्षी इतना सुंदर है, ये कई कलरों में मिलता है। देखो एक जगह ही स्थायी रूप से, एक जगह हेलीकॉप्टर की तरह एक स्थान पर उड़ने की इसकी जो कला है, ये इसकी अद्भुत है। अब ये एक पानी का कुंडा बना हुआ है, उससे एक जगह ही उड़ता हुआ पानी पी रहा है। दूसरी एक ये आ गया, इसको देखिए आप, ये दीवार में अपने दोनों पैर चिपका कर, देखो इस तरीके से आराम से बैठ भी सकता है। बहुत सुंदर पक्षी है। मेरे पास जितने भी जो वीडियोज आते हैं पक्षियों के, उनमें मुझे इस पक्षी की वीडियो सबसे प्यारी लगी। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर दें यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब हमारे सामने ये आ जाती है गोरैया। गोरैया को कौन नहीं जानता, लेकिन गोरैया को मादा और नर में डिवाइड करने में लोगों को दिक्कत आती है। तो गाइज देखो, ये जो इतने सारे गोरैया पक्षी हैं, इनमें जिसकी गर्दन यानी चोंच के नीचे जो काला निशान है और थोड़ा घेरा ब्लैक है, वो है नर, और दूसरी जो हल्की है वो है मादा। अब ये आ गया बया। हमारे यहाँ तो इस पक्षी को बया बोलते हैं। उसका मुख्य कारण है इसकी आवाज़ बया बया ऐसी आवाज़ निकालती है, सिर्फ इसकी आवाज़ ही ऐसी है। और ये इसके भी हल्के फुल्के कलरों में फ़र्क होता है। अगला जो हमारा पक्षी है उसको हर कोई जानता है कि ये तोता है, ये पैरेट है। ये भी कई सारे कलरों में मिलता है। अब आप इसको देख सकते हो, ये पिंक पिंक भी है। अब इसमें नर और मादा की पहचान बताता हूँ। सबसे पहले तो जिसके गले में जो बंद है, गले में जो सर्किल है, यदि सर्किल वाला है तो वो नर है, नहीं दूसरा वाला मादा है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर शेयर करें।